Very good morning, my dear students, and you are welcome in the online tutorial of Par Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Par Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now देखिए इसमें क्या करना है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड. अगर हम फ्लूइड के अंदर की डेप्थ में जाते हैं तो वहां पर प्रेशर का वेरिएशन होता है. पास्कल कहते हैं कि इन केस अगर हम लिक्विड के अंदर की बात करें, डेप्थ की बात करें या इनसाइड द लिक्विड की बात करें, तो थ्रू आउट इनसाइड द लिक्विड प्रेशर विल रिमेन सेम. वो कहते हैं कि प्रेशर सेम रहता है. अब यहां पर हम बात कर रहे हैं वेरिएशन आता है प्रेशर में, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं, तुम समझ जाओगे. ये पास्कल कहते हैं कि ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करना, ठीक है. मान लो यहां पर इस लेयर पे इतनी जो लेयर है इस पे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, फ्लूइड के, उन इतने पोर्शन में इनके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स ये देख सकते हो यस, इस पार्टिकल्स को, ये वाली जो लेयर है बेटा, दिस लेयर, इस लेयर के जितने पार्टिकल्स हैं उतने एरिया के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स मिलकर इस लेयर को दबाएंगे. समझ पा रहे हो? अगर मैं लेयर को यहां पर ले लूं, कहूं ये वाले पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स पे जो प्रेशर होगा और इस पार्टिकल्स पे जो प्रेशर होगा, दोनों प्रेशर डिफरेंट होंगे ना. फॉर एग्जाम्पल, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं H1 हाइट पर हैं और ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये H2 हाइट पर हैं. कौन से पार्टिकल्स की डेप्थ ज्यादा है? इन वाले पार्टिकल्स की डेप्थ ज्यादा है, ये वाले पार्टिकल्स की डेप्थ कम है. तो इन वाले पार्टिकल्स को दबाने वाले ऊपर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स मिलकर इनको दबाएंगे. अगर मैं इस लेयर की बात करता हूं जो H1 हाइट पर है डेप्थ, तो इन पार्टिकल्स को दबाने वाले पार्टिकल है 1, 2, 3, 4, तो इसको थोड़ा सा कम प्रेशर मिलेगा. तो मतलब इस पॉइंट पर अगर इस लेयर पे चेक करोगे तो प्रेशर थोड़ा कम होगा, इस लेयर पे चेक करोगे तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. क्यों? ऊपर से प्रेशर बढ़ जाएगा, दबाएंगे उन सारे पार्टिकल्स, नीचे वाले पार्टिकल्स को दबाएंगे. लेकिन वो दबाएंगे कब? जब तुम ग्रेविटी को कंसिडर करोगे, ठीक है ना. जब तुम ग्रेविटी को कंसीडर करोगे, ग्रेविटी ही तो रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर लगवाने के लिए, उनका मास क्रिएट करने के लिए. ग्रेविटी के कारण ही तो एमजी फोर्स लगेगा नीचे की साइड और प्रेशर इंक्रीज होगा. समझ पा रहे हो इस पॉइंट को या नहीं? कहने का मतलब, अगर तुम लिक्विड की डेप्थ में आते हो तो बॉटम पर अगर चले जाओगे तो बॉटम पे सबसे ज्यादा प्रेशर मिलेगा तुम्हें. क्यों? उसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल उसको दबाते हैं. हाँ, लेकिन जिस पोर्शन में, जितने एरिया में तुम प्रेशर देख रहे हो उतने एरिया की बात करेंगे. साइड वाला जो लिक्विड होगा उसकी बात नहीं करेंगे, जो उन पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स होंगे सिर्फ उतनी, जैसे इस पोर्शन के पार्टिकल्स की बात करेंगे. समझ पा रहे हो इन पॉइंट्स को? ये मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया है, क्लियर हुआ तुम्हें बेटा आइडिया? सही है, सुनो, फिर हम डेरिवेशन करेंगे फटाफट से, ठीक है. तो अब फ्लूइड के अंदर अगर तुम ग्रेविटी को निग्लेक्ट नहीं करते, ग्रेविटी को कंसीडर करते हो, ठीक है, जो हम निग्लेक्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटी इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन अर्थ, तो वेरिएशन आएगा प्रेशर में, ठीक है. तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं इसके आगे, ड्यू टू ग्रेविटी. चलिए अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कंसिडरेशन, हाँ जी, वीडियो पॉज हो रही है, बाय बाय. देखिए सर, क्लियर है? यस, ना आवाज आ रही है ना मेरी? मैं तुम्हें दो चार लाइन्स है, कंसिडर,
वीडियो पॉज क्यों हो रही है बेटा? मेरी साइड से तो वाईफाई वगैरह सब ओके चल रहा है एकदम। चलिए मैं तब तक डायग्राम बनाता हूँ, वीडियो ठीक हो जाएगी फिर तुम डायग्राम बनाना। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, और फॉर्म करके लिख देते हैं, एक और क्वेश्चन है, प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड। प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड, ओके। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं, तब तक तुम भी थोड़ा सा देखो, वीडियो ठीक हो जाएगी। चलिए बेटा बनाइएगा डायग्राम। डायग्राम बनाइएगा। चलिए क्लियर है सबको? सर ब्लर है वीडियो बहुत ज्यादा। देखिएगा ना वीडियो ब्लर आ रही है बेटा। मेरा तो वाईफाई कनेक्टेड है, मैं क्या करूं बताओ। यस बेटा देखिए डायग्राम बेटा जो ये है इसमें क्या समझ आता है इसको देखते हैं एक बारी, ठीक है। ये जो डायग्राम है यहां पर जस्ट एक मैंने सिलेंडर लिया हुआ है, कॉलम लिया है कॉलम, ठीक है, बट इमेजिनेशन है, कुछ भी नहीं लिया बेसिकली, मैंने इसमें कुछ डिप नहीं किया, मार्स नहीं किया, जस्ट एक इमेजिनेशन है कि मैंने इस लेवल पर एक लेयर ले ली और एक इस लेवल पर कोई लेयर ले ली। मान लिया कि एक लेयर H1 हाइट पर ले ली और एक लेयर H2 हाइट पर ले ली, तो इस लेयर पे कितना प्रेशर लगेगा और इस लेयर पे कितना प्रेशर लगेगा। पहली बात यह ध्यान रखना, साइड वाला लिक्विड प्रेशर नहीं लगाएगा, जितना एरिया तुम कंसिडर कर ले ना बस उतने एरिया के ऊपर ऊपर वाला लिक्विड उस पर प्रेशर लगा सकता। S1 सरफेस जो तुमने लिया, जिसका S1 S2 दो सरफेस लिए लेकिन दोनों का एरिया सेम ले लिया A,
तो इस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे S1 पर उसको ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स दबाएंगे, S2 पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको भी उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स दबाएंगे। तो डायग्राम में देखने से ही पता चल जाएगा S1 के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने पोर्शन में और S2 के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने पोर्शन में, ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, S1 वाला पोर्शन थोड़ा छोटा है, वॉल्यूम कम है, ये वाला ज्यादा वॉल्यूम है। तो मतलब S2 पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, S1 पे थोड़ा कम लगेगा। जैसे जैसे हम डेप्थ पे आते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना होगा कि जिसमें हाइट आ जाए और जैसे जैसे हाइट में वेरिएशन हो वैसे वैसे प्रेशर में भी वेरिएशन शो हो जाए। तो फटाफट से देखते हैं, बहुत इजी है। इसके लिए नोट करके यहाँ पर एक चीज देख लो बेटा, बिकॉज उस चीज को मुझे यूज करना है, नोट करके लिख सकते हो। अब मुझे यहां पर यूज करना होता बेटा डेंसिटी को, ठीक है। डेंसिटी के फॉर्मूला का मतलब है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मैं डेंसिटी, अगर मैं तुम्हें इस वाटर की डेंसिटी बता देता हूं, से फॉर एग्जांपल इस वाटर की डेंसिटी है रो और इसकी डेंसिटी हमने रो ले ली, क्या हो गया रो, ठीक है। तो यहां से हम मास निकाला करेंगे डेंसिटी की हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैं बहुत यूज किया करूंगा आज के बाद। तो मास पहले भी हम यूज कर चुके हैं इनको बारे इस फॉर्मूले को। तो मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और इन केस कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी वॉल्यूम को लिख सकते हैं एल डी इंटू एच, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं हम डेंसिटी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ को एरिया लिख लेते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूलाज बेटा मास के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तुम अच्छे से देख लो एक बारी, समझ लो इन फॉर्मूलाज को। ये लीजिए, ठीक है। तो मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास हो गया, वॉल्यूम को लिख दिया एल बी एच, ठीक है। फिर एल और बी को लिख दिया एरिया, ये हम यूज कर सकते हैं, नोट करके इसको तुम भी नोट कर लो। तो चलिए अब एक बारी प्रेशर निकालते हैं S1 पर, फिर एक बारी प्रेशर निकालते हैं हम S2 के ऊपर। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है हम वो निकाल लेते हैं फटाफट से। कंसीडरेशन में थोड़ा बहुत तुम कंसीडर कर सकते हो कि कंसीडर एट अ सरफेस S1 एंड S2 एट द हाइट H1 एंड H2, एंड डिफरेंस बिटवीन दिस इज द H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, ये तुम कंसीडरेशन में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी कैलकुलेशन पे। तो हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे अगर प्रेशर की, तो प्रेशर का फॉर्मूला समझिए थोड़ा सा क्या होता है, यहीं पर देखते हैं इसको भी हम थोड़ा सा, यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं। प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया मेरे पास ए है ऑलरेडी, मैं पहले फोर्स को कैलकुलेट करता हूं। अब यहां पर अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करता हूं तो अपने क्वेश्चन में देखो, ड्यू टू ग्रेविटी कितना फोर्स होता है नीचे, जो पुल होता है कितना होता है mg, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं बेटा, यहां पर हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन सरफेस S1 कितना फोर्स होगा, तो आंसर है M1 into G। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, फोर्स ऑन सरफेस S2 इज इक्वल टू M2 G, ठीक है। फिर ऐसे ही निकालेंगे हम प्रेशर ऑन सरफेस S1, फिर हम निकालेंगे प्रेशर ऑन सरफेस S2, ये लीजिए। अब ये काम हमने कर लिया मास का, मैंने तुम्हें समझाया कि मास को कैसे लेंगे, कि इतनी हाइट में कितना मास है, ठीक है। देखो हाइट भी आ जाएगी मास के फॉर्मूले में, एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि इतने सिर्फ इतने पोर्शन के ऊपर ऊपर वाला ही तो वॉल्यूम चाहिए तुम्हें, बाकी वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम तो चाहिए नहीं, इधर वाला वॉल्यूम भी नहीं चाहिए। S1 के ऊपर ऊपर वाला लिक्विड उसको कितना दबा रहा है ये देखना है हमें। तो M1 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए डेंसिटी लेंगे, रो एरिया कितना है, एरिया तो A ही है, और उसके बाद H कितनी है, H1 मल्टीप्लाई G। प्रेशर क्या हो जाएगा, इसी फोर्स को एरिया से डिवाइड करूंगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ना F डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू रो H1 G, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही बेटा M2 का फॉर्मूला भी यहीं से बनेगा, देखो लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, डेंसिटी तो वही रहेगी रो रो, और एरिया भी सेम रहेगा क्योंकि S2 का एरिया सेम है, देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद
हाइट चेंज हो जाएगी एच टू और मल्टीप्लाई जी, ठीक है। जब यहां पर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा फोर, सॉरी एफ वन, और ये हो जाएगा एफ टू। तो ये एफ वन, ये एफ टू डिवाइडेड बाय ए, तो इसका भी एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा रो एच टू जी, यही आ जाएगा। अब ये प्रेशर आ गया S2 पर और ये प्रेशर आ गया S1 पर, तो टोटल प्रेशर ऑन S1 निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर ऑन S1 एंड टोटल प्रेशर ऑन S2, टोटल प्रेशर का मतलब क्या है, देखो इस S1 पे लिक्विड तो दबा ही रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दबाता है, S2 में भी लिक्विड तो दबाएगा ही दबाएगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दबाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं आ लिया होगा PA, तो जो भी प्रेशर है S1 सरफेस के ऊपर, जितना भी प्रेशर तुमने निकाला है, इसमें प्रेशर इंक्लूड कर दो एटमॉस्फेरिक का, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये देखिए यहीं से रो एच वन जी प्लस पी ए, इसको क्या लिखेंगे रो एच टू जी प्लस पी ए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो यहां तक बेटा तुम्हें क्लियर हो गया सारा, अच्छे से क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके आगे हमें जस्ट डिफरेंस निकालना है कि यहां पे लगने वाला प्रेशर और यहां पे लगने वाला प्रेशर सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर सेम होगा तो मैं जैसे ही उसको डिफरेंस लूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस करूंगा तो जीरो हो जाएगा। अगर छोटी बड़ी क्वांटिटीज हुई, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम हुआ यहाँ पे ज्यादा हुआ, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा तुम्हें, तो वो डिफरेंस हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो राइट डाउन डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज, तो मैं यहां पे थोड़ा सा रफ करता हूं इस पोर्शन को, ठीक है, ये सारा विजिबल हो रहा है तुम्हें प्रॉपर। चलिए यहां पर लिखते हैं डिफरेंस इन प्रेशर is, कितना होगा डिफरेंस, डेल्टा पी इज इक्वल टू ये प्रेशर S1 पे जो आया, ये लिख लेते हैं प्रेशर एट S2 माइनस प्रेशर एट S1, S1 ये टोटल प्रेशर देखेंगे बेटा, टोटल प्रेशर S1 S2 के टोटल प्रेशर तुम्हें पता है, S2 पे कितना प्रेशर है, तो आर एच टू जी प्लस पी ए माइनस एस वन पे कितना प्रेशर है रो एच वन जी प्लस पी ए, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस पी ए, पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा, रो और जी कॉमन आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा एच टू माइनस एच वन रो जी। अब यहां पर डायग्राम में देखिए H2 माइनस H1 को क्या लिया होगा, H लिया होगा, ये देख सकते हो यहां पर, ये पोर्शन में देख सकते हो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, तो यहां लिख देते हैं H रो G, ये क्या आ गया हमारे पास डेल्टा P चेंज इन द प्रेशर, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां पर चेक करो हाइट, कितनी हाइट पे, देखो हमें ऐसा प्रेशर का फॉर्मूला चाहिए था कि जो हाइट पे डिपेंड हो, ग्रेविटी पे डिपेंड हो। ये क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस इज द ग्रेविटी 10 एंड दिस इज द व्हाट हाइट, कि किस हाइट पर तुम प्रेशर निकालना चाहते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होने के कारण कैंसिल आउट हो जाता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर, एंड बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।